सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस रेडी? ठीक है, अरे ये क्वेश्चन हो गए सारे, ये क्वेश्चन सारे हो गए, इनके बाद डाउट लूंगा मैं। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अनअकैडमी से कॉल आया था, क्या कह रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे क्या? पावर फोर के ऊपर पावर, हाँ सीजीएल का यार मैं सोच रहा हूँ नवंबर में करता हूँ, 7 नवंबर या 10 नवंबर से, है ना, बता दूंगा तुम्हें। क्या कहते हैं तुमसे वो, फीडबैक के लिए आता है। अच्छा फिर क्या बोला तुम लोगों ने? चलो गुड, बहुत अच्छे, चलो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखो 7 की पावर 105 आया, ठीक है, 7 की पावर 105 आया। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, 7 की साइक्लिसिटी क्या है? एडवांस मत ले लूंगा मैं ना, क्लास ले लूंगा बैच ना। तो 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। यानी कि अगर आप 105 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, तो देखो मैंने क्या कहा था कि केवल लास्ट के दो डिजिट को देखो, तो ऑब्वियस सी बात है 7 की पावर 1 ही आएगा, यानी कि आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 ही हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो 7 ही कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? फटाफट से कर लेते हैं, फिर आगे मैं डाउट ले लूंगा आपके, है ना, फटाफट से सारी चीज़ों को कर लेते हैं, डाउट ले लूंगा फिर आपके मैं। तो यहाँ पर देखते हैं फटाफट से कि यहाँ पर भी 7 आ गया। अब 7 की पावर अगर ये 754 है, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो केवल दो डिजिट को करके देखा करो आप हमेशा, तो यानी कि 7 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 9 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। भाई देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, केवल लास्ट के टू डिजिट को 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आया 2। अगर रिमाइंडर 2 आता है, तो यूनिट डिजिट की पावर आप 2 ही काउंट करते हैं, यानी कि आपका जो आंसर आ जाता है यूनिट डिजिट 9 आ जाता है। नेक्स्ट, अगर मेरे सामने यहाँ 9 है, और 9 की पावर अगर ऑड आ जाए, इवन, 9 की पावर अगर इवन आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, 9 की पावर अगर इवन आ जाती है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। तो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है सारे। अगर मैं कह दूं यहाँ पर 4 आ गया, तो 4 की पावर अगर इवन आ जाए तो क्या होता है, 6 होता है, और 4 की पावर अगर ऑड आ जाए तो क्या होता है, 4 होता है। तो हम इनको ऐड करेंगे, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो 0। यहाँ तक कोई समस्या आपको किसी को होगी भी नहीं, और ना होने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, इसका इसका आंसर, इसका आंसर कैसे करोगे? देखो एक का तो हम जानते हैं एक ही होगा, इस एक का भी एक ही होगा, 6 का 6 होता ही है, 5 का 5 होता ही है, 6 का 6 होता ही है, 9 यहाँ लिख दिया, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना निकल कर आ रहा है, 4 निकल कर आ रहा है। क्लियर है दोस्तों, कोई समस्या तो नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आराम से कर रहे हो ना, इसलिए मैं फटाफट से इनको करवा देता हूँ, उसके बाद हम बाकी और क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से करिए। 4387 की पावर 245 है, 4387 की पावर 245 है, 621 की पावर 72 है, तो इनके यूनिट डिजिट का क्या करने वाले हैं हम? तो हमने ये देखा कि 7 की पावर ये है, तो 44 से कट जाएगा, यानी कि 4 से काटूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, तो यहाँ से निकलेगा 7 और यहाँ से निकलेगा 1, तो यहाँ की आंसर हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट, 5 का तो हमेशा 5 ही होता है, 6 का हमेशा 6 ही होता है, अब 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो रिमाइंडर आ रहा है 2, 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 9, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, क्योंकि 20 हो रहा है ना, तो 20 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 0। नेक्स्ट, 7 की पावर 71, यानी कि मैं देख रहा हूँ इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है 3, तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3। 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 3 तो होगा, 6 का तो हमेशा क्या रहता है, 6 रहता है, और 65 में अगर 4 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 1, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 4 यूनिट डिजिट। मज़ा आ रहा है, क्लियर कर पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, 0 का तो 0, 1 का 1, 2 की पावर अगर 2 है तो 4, और 3 की पावर अगर स्क्वायर है तो 9, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। जोड़ लो सबको, 9 और 4 13 और 1 14 का कितना होता है, 4 ही आएगा। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? पहली 111 पूर्ण संख्या, यानी कि जितनी भी आपकी 111 हैं पूर्ण संख्या हैं। अब आप लोग मुझे बताना चुपचाप, बिना किसी हिचकिचाहट के मैं बताऊं, क्वेश्चन पूछूं आपसे, शानदार क्वेश्चन है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, बताया ना मैंने आपको, जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाएंगी, फिर 111वीं संख्या की बात करता हूं तो वो संख्या 110 हो जाएगी, हाँ या ना बोलो? अगर 0 से जाएंगी और 111वें प्रथम 111 की बात करता हूं तो 110 तक ही तो जाएगी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। अब हम जानते हैं 1 से लेके 110 तक हमारे पास अगर मुझे सम निकालना हो तो सम कैसे निकालूंगा, सम भाई पदों की संख्या 111 एन बाई टू प्रथम पद इंटू अंतिम पद, यानी कि जो आपका उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 6105, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5 आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 5 विल बी योर आंसर,
समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ, समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो मेरी बात सुनो, दिक्कत कहाँ आ रही है, जिनको दिक्कत आ रही है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, सिक्स होगा ना, सिक्स क्यों होगा बताओ, कैसे होगा सिक्स भाई, मुझसे पूछा गया है कि उनका सम करो पहले आप, और सम के बाद जो सम आएगा उसका यूनिट डिजिट बताना है, तो इसका यूनिट डिजिट तो फाइव ही आ रहा है ना, इसका यूनिट डिजिट तो भाई फाइव ही तो आ रहा है, ठीक है, जीरो क्यों लिया आपने, फिर कैसी बातें कर रहे हो भाई, पहली 111 पूर्ण संख्या क्या होंगी, पूर्ण संख्या में जीरो ही तो आता है भाई, पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि होल नंबर आपको पता नहीं है क्या होते हैं, बताया है मैंने भाई, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो से कहां तक जाना पड़ेगा कि 111 नंबर हो जाएं, तो जीरो से 110 तक जाना पड़ेगा ना, तभी तो 111 नंबर काउंट होंगे, और 111 नंबरों का योग निकालना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, 111 तो आपके पद हैं, तो हम जानते हैं एन पदों का योगफल क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पहली 8888 पूर्ण संख्याएं और पहली 4444 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक, एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर। अब मेरे प्यारे सभी भाइयों, आप कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मैंने क्या बताया, अगर पूर्ण संख्या आ जाती है, तरीका देख लेना, तरीका देख लेना, मजेदार आंसर आ जाएगा, पहली पूर्ण संख्या पूछता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं, ये संख्या चली जाएगी जीरो से लेकर 8887 तक, और अभी मैंने सम निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो यही आ जाएगा वो 8887 गुणा 8888 बटे दो, बोलो, ठीक है, यही बताया था ना, यहां से यूनिट डिजिट क्या निकल रहा है, यहां से मेरा यूनिट डिजिट निकल रहा है आठ, देख लो, चाहे कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाइयों को, है ना, आठ आ गया। अब पहली 4444 यानी कि यहां 4444 का सम कितना हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ये एक से लेके यहां तक चलेगी, तो इसका सम आप जानते ही हैं, 4444 गुणा 4445 बटे दो, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहां से कितना आ रहा है यूनिट डिजिट, जीरो। अब इन दोनों का सम ही तो पूछा गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा, मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ये क्वेश्चन मेंस में आते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तक नहीं आए लेकिन आ जाएंगे। 4445 कैसे हुआ, देखो सुमन आपको मैं बता देता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो ये तो नेचुरल नंबर है ना, देखो यहाँ बोला गया है प्राकृतिक संख्या है, तो नेचुरल नंबर का सम तो मैंने नेचुरल तरीके से निकाल लिया, जो फॉर्मूला मुझे पता था, ठीक है, क्लियर हो रहा है, सबसे बढ़िया चीजें हैं, एक एक चीजों को क्लियर करें। सर एन बाई टू कब करते हैं, ऐसे रटोगे क्या, एन बाई टू कब करते हैं, मतलब क्या होता है, एन बाई टू का मतलब ही नहीं है इसमें, 8857 कहां से आया यार, ये चीज समझ में आई थी आपके, ये चीज समझ में आई थी ना, सेम चीज है वो सेम टू सेम चीज है, क्योंकि यहां भी हमारी पूर्ण संख्याएं थी और यहां भी मेरी पूर्ण संख्याएं हैं, सेम है, आप देख लो, चाहे निकाल के देखो, फॉर्मूला लगाया है, नेक्स्ट करो। अच्छा ये बताओ, नाइन के ऊपर अगर ऑड नंबर आ जाए तो क्या करते हैं, नाइन के अगर ऊपर ऑड आ गया तो क्या करोगे, नाइन आ जाएगा यूनिट डिजिट, अगर एट आ रहा है और एट के ऊपर 77 लूंगा ना मैं, तो केवल क्योंकि मुझे एट जानता हूँ, साइक्लिसिटी चार होती है, इसको अगर फोर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा एक, 19 चौक 76 होता है, तो यहां से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, आठ, और यहां से कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4, क्योंकि ये तो चार से पूरा पूरा डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर आपका जीरो आता है तो पावर यूनिट डिजिट की क्या बन जाती है, 4 बन जाती है, तो 3 3 9 3 27 3 81, यानी कि आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो निकल कर आएगा 2। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कर लोगे, बताने की जरूरत थोड़ी है, बता देता हूँ, अरे 6 की पावर चाहे, अरे राम श्याम गीता भीता सब लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 6 ही रहेगा, कुछ भी कर दो, ठीक है। नेक्स्ट 9, अब 9 आप जानते हो अगर इसकी पावर अगर ऑड है ना, तो चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, ऑड तो ऑड ही रहेगा, यानी कि 9 की पावर अगर ऑड होती है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि ये पूरी की पूरी पावर ऑड है, ऑड ऑड मतलब होता है विषम, तो विषम ही होगा, ठीक ठीक है। अब देखना पॉइंट टू डिस्कस, एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एक ही आएगा है ना, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 9 की पावर अगर ऑड होगी तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस, है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऑड ही है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर 3 की पावर अगर ऑड आ गई है तो इसको कैसे डील करेंगे, है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 की साइक्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं मानना, तो क्यों मानना, देखो
इसको कैसे डील करेंगे, ये क्वेश्चन डील करने वाली बात है बस। 843 की पावर 845 की पावर 847 की पावर 849, क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा। हम जानते हैं तीन की साइक्लिसिटी चार होती है, तो पहले मैं इसको चार से डिवाइड करूंगा। चार से डिवाइड करने पर कितना आया रिमाइंडर, कितना आया रिमाइंडर, आया वन। तो यानी कि ये वन बन गया। अगर मैं इसको चार से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, तीन। यानी कि 845 कितनी बार है, 843 की पावर 845 मेरे पास कितनी बार है, तीन बार है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो चार से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा वन, तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो तीन की पावर एक ही निकल कर आएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ से निकल कर आएगा दो। शानदार क्वेश्चन था, तरीका समझ में आया, एक एक चीज़ का तरीका होता है। नाइन तो मैंने तुरंत निकाल लिया, लेकिन तीन के लिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है तीन की साइक्लिसिटी चार होती है, तो चार की पावर डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको नेक्स्ट पावर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। जैसे इसका एक आया तो 847 बचा, इसको चार से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तीन आया, तो ये 845 की पावर तीन बन गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब 845 में हम जानते हैं रिमाइंडर तो एक ही आने वाला है तीनों केसेस में चार से डिवाइड करने पर, तो तीन की पावर एक ही हमारा यूनिट डिजिट होगा। सर मैंने 845 को किया था चार से, फिर एक आया था, तो एक ही तो आ रहा है, तो सही तो बात है। 845 के बाद क्या किया भाई, सही तो कर रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। 845 को मैंने चार से किया तो एक ही तो आ रहा है, तो बस एक ही तो बनेगा, तीन की पावर एक, तो बस तीन ही तो आएगा भाई। नीचे तो बेस तीन है ना, तो तीन की पावर आप एक तो लोगी, तो तीन आएगा बस। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 9 और 3 12 होते हैं, 12 का 2 आ जाएगा, खत्म है ना। ये हमेशा ही होगा, जहां पर आपके नीचे बेस 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 हो जाए, तो आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो, चाहे कितनी भी पावर आ जाए, कितनी भी पावर आ जाए। और अगर मान के चलो 6 आ गया, तो आप जानते हो 6 के ऊपर कुछ भी आ जाए 6 ही रहेगा। ठीक है, अगर 5 आ गया, 5 के ऊपर कुछ भी आ जाए 5 ही रहेगा। 1 आ गया, 1 के ऊपर कुछ भी आ जाए 1 ही रहेगा, बस। तो सारी सारी चीजें पता है आपको। और 4 आ जाए, 9 आ जाए, तो इनकी अलग कंडीशन है, इवन और ऑड का पता लगाना है इसमें, इवन और ऑड का पता लगाना है इसमें। ऊपर वाले को करना जरूरी है क्या? बिल्कुल करना जरूरी है, उससे क्या होता है अंदाजा लग जाता है। आप डायरेक्टली डिवाइड करके देखोगे तो भी बात ठीक है, मैं मानता हूं कि डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन एक कंसेप्ट बताने के लिए मैं आपको बताऊंगा। आप ये कहोगे सर फिर इन पावर्स का क्या हुआ, अगर मान के चलो कि मैं अगर डायरेक्टली बता देता तो आप ये कहते ना मेरे से सर इनका क्या हुआ, मुझसे पूछते नहीं पूछते, तो ये बात है। अब मैं तो टीचर की तरह बताऊंगा ना भाई, मैं थोड़ी गायब कर जाऊंगा इन चीजों को। चलो शानदार क्वेश्चन है। अरे डाउट अभी पहले इनको तो कर लो, ये कराना जरूरी है यार, या फिर डाउट ही ले लो तुम्हारे, बताओ डाउट, फिर भी तब भी सारे नहीं आ पाएंगे, तीन चार बच्चों के आ पाएंगे। इसमें अभी दो चार पॉइंट रह रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, डाउट वर्ड तो मैं ले लूंगा। ठीक है, अभी तो मुझे 10th डिजिट के भी कॉन्सेप्ट बताने हैं, बाकी रह गए थे कल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, शानदार क्वेश्चन दिए मैंने सारे। सर डायरेक्टली एक रिमाइंडर तभी होगा, हाँ चलो कोई बात नहीं, जैसे आप समझते हो। अब जैसे दो आ गया, अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे। अब 192 की पावर है 197, और 197 कितनी बार है, 198 बार, यही तो आप कहते हो 197 में 198 बार लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको चार से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगर मैं इसको चार से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर एक ही तो निकल कर आ रहा है। अब सब में एक एक ही तो आएगा, यानी कि क्या आपका रिमाइंडर एक ही रहेगा, जी बिल्कुल सर एक ही रहेगा। यानी कि जो आपका यूनिट डिजिट निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, दो ही तो निकल के आ रहा है भाई। 192 का जो दो है इसकी पावर एक है, तो यूनिट डिजिट दो तो निकल के आ रहा है। अब ये कह सकता हूँ कि सर sec थीटा बराबर अगर आपका दो हो गया तो हम cos थीटा निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 1/2। अगर cos थीटा 1/2 हो गया तो क्या मैं जानता हूँ ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, यानी कि ये होता है आपका बेस और ये होता है हाइपोटेनस। तो क्या मैं यहाँ से लंब निकाल सकता हूँ, यानी कि परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यानी कि 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि हो जाएगा √3। क्लियर है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हम ये जानते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते थे, थीटा जिसको पता है, साइन थीटा हो जाता है हमारा लंब बटे कर्ण, सॉरी है ना, लंब बटे कर्ण, यानी कि √3/2 + 1/2 आंसर आ जाएगा, √3 + 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कैसे करोगे भाई साहब बताइए, किसी ने अगर ये क्वेश्चन किया है तो बताओ मुझे। हाँ हाँ बना सकते थे, इसका आंसर क्या आया, सौरभ ने कर लिया, वेरी गुड सौरभ, बहुत अच्छे। अनुराग ने कर लिया, बहुत अच्छे अनुराग। उज्जवल ने कर लिया, चंदन ने किया है, हिमांशु ने कर लिया, सौरभ ने कर लिया, शालिनी ने कर लिया, चलो
बहुत अच्छी बात है। कैसे करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे इसके ऊपर। आपसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको घबराहट सी हो जाती है ना कभी कभार, तो आप क्या किया करो, एन बराबर अगर आप एक मानोगे, मान के चलो तो एन बराबर अगर आप एक मानते हो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या हो गया, कर लेते हैं ना, आप कर लेते हैं। एन बराबर आप एक मानते हो तो हम ये कह सकते हैं कि क्या बन जाएगा आपका, वन 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 वन। अगर मैं एन बराबर जीरो मानता हूँ तो सब वन वन हो जाएगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आप या तो एन बराबर जीरो मान के कर लो इसको, जिससे कि काम ही खत्म हो जाए। अगर आप एन बराबर जीरो मानते हो तो भैया देखो सीधी सी बात है, यही हो रहा है, एक दो तीन चार कहाँ तक चलेगा, 99 तक। तो इनका सम कितना आ रहा है, इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, वही होगा एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा जीरो। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, यहाँ से तो यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है। अब क्या एन बराबर एक जीरो रखने पर ही थोड़ी ना काम चलेगा, आपको एन बराबर वन भी तो रखना पड़ेगा, आपको एन बराबर वन भी तो रखना पड़ेगा। अगर आप एन बराबर वन रखेंगे तो आपको अलग साम अगल अलग चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि सबके स्क्वायर स्क्वायर। तो बहुत कठिन हो गया वैल्यू पुट से, वैल्यू पुट से ये क्वेश्चन बहुत लेंदी चला जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका, जब कोई चीज़ काम ना करे ना, हमेशा बेसिक काम करता है, जब कुछ भी साथ ना दे वो हमेशा बेसिक साथ देता है आपको। तो मैं ऐसे करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन ये मेरे पास क्या है, टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर है, टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, फोर फोर एन प्लस वन प्लस वन प्लस टू। ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ फोर एन प्लस वन वन, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, फोर एन प्लस वन प्लस वन, इसको लिख सकता हूँ थ्री फोर एन प्लस वन प्लस वन। यानी कि मैं हमेशा ये देख रहा हूँ कि हर कोई चार के मल्टीपल में आ रहा है, चार के मल्टीपल में आएगा, जो भी आएगा ये चार के मल्टीपल में आएगा, चार से तो कट जाए तो कुछ नहीं है, रिमाइंडर कितना आ रहा है सब में, सभी पावर्स में रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो वन टू थ्री, इसी तरीके से अगर मैं लेते जाऊँ नाइन तक। ठीक है, और ये तो हो गया अपने पास कितना, जब रिमाइंडर अपने पास क्या आए, फोर की पावर एन प्लस वन में आए, और सात के साथ अलग अलग आए, वन टू थ्री एट नाइन। ठीक है, यहाँ तक चलेगा ये, नाइन तक। ठीक है, आगे अगर मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, तो यहाँ तक अगर मैं सम निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, नाइन इंटू टेन बाई टू, नाइन इंटू टेन बाई टू प्लस नाइन इंटू टेन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि फॉर्मूले से यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना, 45, 45, और ये हो जाएगा मेरे पास 40। क्या हो गया, गड़बड़ हो गई क्या? ओके एक बार देख लेते हैं, देख लो एक बार, सॉल्व कर लेते हैं उसको, है ना। चलिए, तो ये क्या है, मैं 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूँ, तो वो कितना आ रहा है, 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, यही हो रहा है ना। ठीक है, अगर मैं n बराबर एक रखता हूँ, अगर मैं n बराबर एक रखता हूँ तो कितना आ रहा है, आपने सॉल्व किया, n बराबर एक रखने पर कितना आ रहा है, ये भी सॉल्व कर लेना आप एक तरफ। चलो पहले मैं इसको बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ, अगर मैं इन दोनों से कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों से अगर मैं कॉमन लेता हूँ 2n, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं n बराबर एक रखता हूँ तो मेरा क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है ना, 4n होगा, कहाँ पर होगा 4n, ओके ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ 4n होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से मैं 4n कॉमन ले लेता हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ ना, यहाँ तक क्लियर है, इसका होल स्क्वायर खोलोगे आप, अगर आप 4n कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 1। यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए, देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भले ही लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, अगर मैं आपसे कह दूं कि यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से आपको चलना है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि सबकी पावर में दो तरीके के केस आएंगे, ए मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। तो अगर मैं कह दूं कि अगर किसी किसी के ऊपर किसी के बेस इक्वल हो, बेस ये लिखाओ ए ये लिखाओ बी, तो क्या हो जाता है, पावर आपस में ऐड हो जाती है, हाँ या ना बोलो, पावर ऐड हो जाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये दोनों पावर आपस में ऐड हैं, दोनों पावर आपस में ऐड ही तो हैं, ऐड हैं, इसका मतलब क्या है, एक की पावर
एक तरफ तो रहेगा 4n इंटू एन प्लस 1 और एक तरफ रहेगा 1 की पावर 1। क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? यानी कि हमारे पास हर एक नंबर के दो अपने बनेंगे हर एक नंबर के। तो ये तो मेरा 4 से डिविजिबल हो ही गया, कोई दिक्कत? ये मेरा 4 से तो डिविजिबल हो ही गया, यहां तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? यहां तक तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है और ये मेरा 1 2 3 चलता ही रहेगा। अच्छा, तो क्या मैं एक तरफ ये कह सकता हूँ ये शायद 99 नहीं है, 9 होगा मे बी, ये 9 है, ये 99 गलत लिखा हुआ है, 1 से लेकर 9 तक ही है शायद, है ना? ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना फिर, इसलिए 1 से 9 तक ही होगा शायद। तो एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ पहले वाले फैक्टर की, तो यहाँ अब मैं जानता हूँ 1 की पावर कितनी भी हो एक ही रहेगा ना यहाँ पर। आप बताओ, पहले वाले में भी एक रहेगा, दूसरे वाले में भी एक ही रहेगा, ठीक है? पहले वाले में क्या पता 99 से भी 5 आ रहा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? ठीक है, पहले वाले में भी एक रहेगा और दूसरे वाले में भी एक रहेगा, इत्तेफाक रखते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई सिंपल सा लॉजिक है, 1 की पावर कुछ भी हो एक ही आएगा, और 1 की पावर 1 है तो 1 आएगा ही, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेक्टर है ना, मतलब अलग अलग फैक्टर होंगे। अब मैं जैसे 2 की पावर के साथ लेता हूँ, 2 की पावर भी सेम इसी तरीके से बनेगा, 4n n+1 इंटू 2 की पावर 1, तो यहाँ से तो 2 ही आएगा। इसी तरीके से क्या मैं यहाँ तो लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकता हूँ, कोई परेशानी है आपको? 9 तक है तो 9 तक तो लिख ही सकता हूँ ना, 9 की पावर 1 2 3, यानी कि इसको तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना। अब वहाँ दिक्कत आ रही है मुझे, तो वहाँ दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब मुझे आप बताओ, 2 की पावर अगर 4 के मल्टीपल में होती है, यानी कि 4 से अगर डिवाइड हो जाता है तो क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है? अगर यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 की पावर 4, बोलो 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 की पावर होता है 4 होता है 16 का 6, ठीक है? प्लस 3, 3 की पावर 4 क्या आता है? 1। प्लस आगे देखो 4, 4 की पावर 4 हम जानते हैं, 4 की पावर अगर इवन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इवन हो जाता है तो 6 हो जाएगा। 5 तो 5 ही रहता है, 6 तो 6 ही रहता है। 7, 7 की पावर अगर करते हैं तो हम जानते हैं कितना आता है, 1 आता है, वेरी गुड। 8, 8 का क्या करेंगे? 8, 8 2 4 4 16, 6 आता है, 8 का 6 आता है ना। 9 का क्या होता है? 9 की पावर अगर 4 होती है तो क्या कहते हैं, वही वाली बात हो जाती है उसके साथ, तो 1 आ जाता है, बस हो गया काम। अब इन सबको ऐड कर लो, आंसर आ गया, क्या आ रहा है? अब देख लो यूनिट डिजिट, देख लो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है। इसका तो मैं निकाल सकता हूँ 1 से लेकर 9 तक का एन इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? 45 तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो 45 आ रहा है। अब इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है? 1 2 3 4, तो 24 तो ये हो गया, और 5 और 5 तो 30 तो ये हो गया, 30 और 3 33 तो यहाँ से आ रहा है, और 45 यहाँ से आ रहा है, आंसर इसका आ रहा है 8। जी कहानी है, चलो देखते हैं इसको, खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है? 5 आने वाले, ठीक है भाई, दिन का आया, एक बार इसको मैं देखता हूँ फिर, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन था ये, 99 वाला भी हो सकता है मे बी, है ना? 5 भी, अब देख लेते हैं, जो भी आंसर होगा 5 होगा, जो भी होगा 99 होगा, तो देखते हैं क्या होगा, ये मैं एक बार और करके देखूंगा, है ना? चलिए, वैसे कॉन्सेप्ट हमारा सही था, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को करो। हाँ, ऑप्शन में नहीं है, मुझे पता है भाई, दिख रहा है मुझे। इस क्वेश्चन को करो, कैसे करोगे? 1 और 11 की पावर 11 के बीच में सभी जो प्राइम संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा? अच्छा ये बता दो मुझे, आप मुझे बताओ कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हम जानते हैं 2 होता है, 1 तो नहीं होता ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होगा, 2 तो आएगा ही, और 5 भी आएगा। अगर मेरे प्यारे भाइयों, अगर बीच में प्रोडक्ट की बात कर ले, यानी कि उत्पाद की बात कर ले, तो हम जानते हैं भैया, किसी 5 अगर आ गया ना और उसको इवन नंबर मिल गया, तो कुछ भी हो जाए यूनिट डिजिट तो 0 ही देगा वो, कुछ भी हो जाए, चाहे कॉमन सेंस वाली बात है, चाहे 11 की पावर 11 की बात कर रहा हो, चाहे किसी की बात भी कर रहा हो, ठीक है? क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों? अब हमसे बोला गया है, ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, सीजीएल मेंस में आया हुआ है, इसको कैसे करेंगे? देखो, हमें केवल किससे मतलब होता है? हमें ओनली यूनिट डिजिट से मतलब होता है, यानी कि 6 * 18 = 8, और यहां मैं एन से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा यूनिट डिजिट एन प्लस 2 आना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं 1 रखता हूं तो बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं। 2 रखता हूं तो क्या बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं। 3 रखता हूं तो यहाँ 24 का 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है? नहीं।
चार रखता हूँ तो दो आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। पांच रखता हूँ तो जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर छह रखता हूँ तो 8 6 48 का 8 आ रहा है और यहाँ भी 8 आ रहा है। तो यानी कि एन की वैल्यू क्या रखनी होगी, 6 रखनी होगी। इतना चेक नहीं करना था। अगर आपके पास ऑप्शन थे तो आप एक को चेक करते, 8 को करते और 3 को करते। ये तीनों नहीं होते तो आंसर अपने आप ये हो जाता। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? चलिए देखो, वैसे तो देखो सीधी सी बात है, जानवी कह रही है सर एन बराबर एक रख लो, है ना, एन बराबर एक रख लो से आंसर आ जाएगा। एन बराबर, मैं कहता हूँ जीरो भी तो रख सकते हैं क्योंकि वो पूर्णांक में आता है जीरो। एन बराबर एक रख लें, अगर एन बराबर दो क्यों ना रखें। लेकिन इसके लिए बेसिक क्लियर होना जरूरी है ना, तो मैं आपको बेसिक क्लियर करके बताऊंगा इसका पूरा। ठीक है ना? मैं इसको जब खुद खोल के सॉल्व करूंगा ना कि 99 है असली में या नहीं। ठीक है? तो रीजन भी तो होना चाहिए ना कि भाई क्यों रख रहे हैं हम। ये क्लियर हो गया सबको? कोई परेशानी तो नहीं है ना इसमें? इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब कैसे करोगे? लास्ट के टू डिजिट निकालने हो तो क्या करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। अब अच्छे से क्लियर कर लीजिए, एक नंबर सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है? तो देखो मैंने क्या तरीका बताया था, मैंने तरीका बताया था आपको 31 लिखा हुआ है। अब 31 की पावर अगर 786 आपका आ गया, तो अगर यहां 1 आ जाए तो यूनिट डिजिट तो 1 होगा ही होगा। और अगर सेकंड डिजिट निकालना है तो आपके जो आगे वाला नंबर है ना, इसको आपको 6 से गुणा करना पड़ता है, यानी कि 8, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 81। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि आपका टारगेट क्या होता है। सर हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि, है ना, ठीक है, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एक हमें यूनिट डिजिट बनाना है, यानी कि यूनिट डिजिट एक लाना है। ये मेरा मेन मोटिव होता है 10th डिजिट में, कि यूनिट डिजिट एक बनाना है। अब वो चाहे मैं कैसे भी बनाऊं, कैसे भी बनाऊं। चलिए अभी मैंने आपको एक चीज और नहीं बताई 10th डिजिट में, तो वो बताऊंगा मैं। ठीक है? जब तक हम क्वेश्चन हो रहे हैं, हमने देखो कहां तक सीख लिया था। अगर एक आ जाए तो कर लेंगे, अगर तीन आ जाए तो भी कर लेंगे, तीन की पावर चार में ब्रेक करके। सेवन आ जाए तो भी कर लेंगे, सात की पावर चार में ब्रेक करके। और नाइन आ जाए तो भी कर लेंगे, नाइन की पावर टू में ब्रेक करके, है ना। यहीं तक तो बताया था मैंने। मैंने ये नहीं बताया कि दो आ जाए तो क्या कर लेंगे, चार आ जाए तो क्या कर लेंगे, पांच आ जाए तो क्या कर लेंगे, छह आ जाए तो क्या कर लेंगे। तो इनके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना, और कुछ आ जाए तो क्या कर लेंगे, तो इनके बारे में मैं भी बताऊंगा, है ना। चलिए ठीक है, तो परेशान ना हो। जहां तक आता है वहां तक करते हैं, उसके बाद सीखेंगे। तीन पूछे तो बताया था ना छोटू लाल, तीन पूछे तो क्या करते हैं, तीन की पावर फोर में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं बताओ, बताओ छोटू क्यों बदलते हैं? तीन की पावर फोर में इसलिए बदलते हैं क्योंकि तीन की साइक्लिसिटी चार होती है और तीन की पावर चार 81 हो जाता है। तो हमारा आसान बन गया, यानी कि यूनिट डिजिट एक लाने का मोटिव पूरा हो गया। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। ठीक है? वन आ रहा है, सेम काम है, वन का वन रहता है, यानी कि हमें पता है कि फाइव का हो जाएगा कितना, जीरो। यहां से तो आ रहा है 01 मल्टीप्लाई, यहां वन का वन रहेगा और यहां से आ रहा है दो, तो 21 का अगर एक से गुणा करोगे तो 21 ही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब ये आ गया 13 की पावर 288। इसको कैसे सॉल्व करें मेरे प्यारे दोस्तों? अब बात आ जाती है कि सर हमें नहीं पता कैसे सॉल्व किया जाएगा, 13 आ गया, टारगेट क्या है, मोटिव क्या है। टारगेट और मोटिव को पूरा करना बेहद आवश्यक है। अगर आप अपने टारगेट्स को पूरा नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लोगों ने किया तो है, अच्छी बात है। तो मैं आपको तरीके बताता हूँ सारे के सारे। इसके नहीं हुआ ना, किससे किससे नहीं हुआ जल्दी से बताओ। 61, 21 आया आंसर, इसका 21 आया, किसी का कुछ आया। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। और अगर मैं 13 की क्यूब की बात करूँ तो कितना होता है, 2197। और अगर मैं 13 का दोबारा से गुणा करता हूँ तो यहाँ एक देखो ना, केवल मुझे दो डिजिट से मतलब है दोस्त, केवल मुझे दो ही डिजिट से मतलब है, मुझे और किसी से मतलब नहीं है। अब ये बताओ, जब हम यूनिट डिजिट निकालते थे तो यूनिट डिजिट निकालते तो हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब था, लेकिन आज मुझे किससे मतलब है? क्योंकि मुझे दो अंक चाहिए ना, तो मुझे केवल लास्ट के दो डिजिट से मतलब है। और मैं किसकी, मैं बार बार गुणा क्यों कर रहा हूँ 13 का, बार बार गुणा क्यों कर रहा हूँ, मेरी तलाश को पूरा करने के लिए, यानी कि मुझे ये पता लग जाए कि बस यार एक कब आता है। और जब मैंने यहाँ देखा 13 7 91 का एक, कैरी आया 9, 13 9 कितना होता है 7 और 9 6, यानी कि 61 निकल के आएगा। केवल मेरे को दो अंक से मतलब है, केवल दो अंक से मतलब है, यानी कि जो ये सारी की सारी रामायण है ना, तो क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ 13 की पावर 4 और 72। बोलो कोई दिक्कत आप लोगों को, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? 13 की पावर 4 का मैंने डबल डिजिट निकाला, कितना निकल के आया, अभी तो बात हुई थी हमारी इस बारे में, 61 आया। डायरेक्ट नहीं कर सकते भाई राजेश, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, कंसेप्ट तो खोल के बताना पड़ेगा ना आपको।
अब तो निकाल ही सकते हो, अब तो ये क्वेश्चन ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गया, तो अब एक का तो एक आएगा, 6 दूनी 12 का 2, तो कौन जीता? जिसने 21 दिया वो जीता, जिसने 61 दिया वो हार गए सारे के सारे। बात समझ में आ रही है? तो आंसर कितना आएगा? 21 आएगा। सर बड़ा डिजिट आ जाए तो? अरे बड़ा डिजिट आ जाए तो क्या हो गया, हमें तो केवल किससे मतलब है, लास्ट टू से मतलब है। बड़ा आ जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, क्लियर? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर 3 आ जाए तो? 3 आ जाए तो मतलब 3 नहीं पूछता है, और अब पूछेगा तो फिर 3 के हिसाब से कर लेंगे। सर 61 कैसे आया? देखो दोस्त, मैंने क्या कहा था, लूजर वूजर कोई नहीं होता, वो सीखे हैं, है ना? ऐसे कहावत है बड़ी वाली कि अगर हार गए तो हार नहीं गए, सीखे हैं वो लोग। अच्छा एक बार बताओ, आपने कभी नोटिस किया एक चीज को, कि जीत कर हारने वाले को ही कहा जाता है हमेशा, मतलब हार कर जीतने वाले को ही कुछ कहा जाता है, हार कर अगर जो जीतता है ना उसको ही कुछ कहा जाता है हमेशा, बाजीगर कहते हैं वो तो मुझे पता है, लेकिन कभी ये देखा है कि जीत कर जो हार गया उसको क्या कहेंगे? फुद्दू। क्या आदमी यार तुम्हें, फुद्दू कहेंगे उसको खुद कुछ भी मतलब है ना, तो मतलब कितनी बड़ी डेफिनेशन है ना, हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, मतलब हारो फिर जीतो तब ज्यादा मजा है, जीत जब जीतते रहेगा तो फिर हारेगा तो फिर दिक्कत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब सेम कॉन्सेप्ट देखो मेरे दोस्तों, आराम से सीखिए। अब मुझे बताओ कि मैं किसकी तलाश कर रहा हूँ, मुझे पता है 9 की पावर 2 यानी कि 19 की पावर 361 होती है, यानी कि 61 में लगा सकता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं 2 कर लूँ, ऐसे कर सकता हूँ ना भाई, 19 का स्क्वायर कर लेता हूँ और इसकी पावर 266 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 133, यानी कि केवल मुझे यहाँ से क्या किससे मतलब है, केवल और केवल मेरे को किससे मतलब है, 61 से मतलब है, 81 नहीं 61 है ना, इसकी पावर 133। यहाँ पे मैंने देखा एक तो आएगा ही और 81 आपका आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जिनका 81 आया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है जिनका 81 आया। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आया सबको? 10th डिजिट आज तक आपको नहीं पढ़ा था, मुझे पता है आपने नहीं पढ़ा था आज तक, 10th डिजिट आज तक आपने सीखा ही नहीं था, अभी तक शायद एक दो क्वेश्चन आए हैं लेकिन इतना हाईलाइट नहीं किया किसी भी एग्जाम ने, लेकिन अगर करता है तो अब आप आंसर दे के आ जाइए, यूनिट से भी हो जाएगा, नहीं नहीं यूनिट से नहीं हो सकता ना, सही ना? चलिए 61 कैसे आया? 61 ऐसे आया ब्रिजेश, आप जानते हो कि 19 के पहाड़े में एक कब आता है, 19 के स्क्वायर में ही आता है जो कि 361 होता है, तो जब बगल में छोरा तो गांव में ढिंडोरा क्यों करना, बगल में ही मेरे पास एक पड़ा है, क्योंकि मेरी तलाश क्या होती है, मेरी तलाश होती है कि मैं यूनिट डिजिट एक ढूंढ लूं बस, कैसे भी करके एक ढूंढ लूं बस, तो मुझे बस दिखा कि यार 19 के टेबल में एक तभी आ सकता है। सर अगर पावर 4 से डिवाइड ना हो तो? 4 कहाँ आ रहा है इसमें, और 4 से डिवाइड नहीं होगी तो रिमाइंडर आएगा, वो यूनिट डिजिट में होता है 4 से पावर डिवाइड करने वाला केस, है ना, वो यूनिट डिजिट की बात मत करो यहाँ पे अभी आप, ठीक है, और जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर तो बचेगा ना भाई। चलिए सर कब 100 से डिवाइड करते हैं, वो 100 से डिवाइड करने वाला तब होता है जब मल्टीप्लीकेशन आ जाए, तीन तीन संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन आ जाए, कल बताया था ना मैंने आपको। आशीष कह रहा है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आशीष आप पहली क्लास में आए हो क्या, पहली क्लास है क्या आशीष, सच बताना भाई, पहली ही क्लास है क्या? हाँ अब बताने बताने के नाम पे चले गए हो, कहाँ हो पता नहीं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ फिर बताओ तो सही। सर कल लेट से आया, बस यहीं तो कृपा अटक रही है, यहीं तो कृपया अटक रही है, बस यहीं अटकी पड़ी है कृपा, लेट से नहीं आना चाहिए था ना, टाइम से आना चाहिए था। एक निर्मल बाबा है, नॉर्मल बाबा नहीं है आशीष, कोई बात नहीं, देखो डोंट लूज होप, आप ऐसा ना सोचो कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करनी है, केवल एक एक 1 आवर आपको निकालना है, 1 आवर भी क्यों, अगर आप दुगनी स्पीड में देखोगे ना तो आधे घंटे, यानी कि 30 मिनट कल वाली क्लास को देख लो, 30 मिनट दे दो और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, एक बार कोशिश तो करो, अब बीच में आओगे तो देखो आपको भी बताया, देखो नहीं आ सकता, अब मैं दोबारा से नहीं बता सकता क्योंकि अभी तो डाउट क्लियर करने है ना, ठीक है दोस्त। चलिए सबसे कहना चाहूंगा है ना, चलो ये हो गया क्लियर, आगे चलता हूँ। अब 7 को मैं क्या तलाशूंगा, 7 की पावर 195 है, तो 7 को मैं किस में ब्रेक करता हूँ, साइक्लिसिटी इसकी 4 होती है। अब देखो भाई किसका डाउट था, रवि का डाउट था, भाई देख रवि अगर 194 को मैंने 4 195 को मैंने 4 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 4 चौके 16, बचे कितने 3, 4 8 32, यानी कि 48 बार तो 4 बार चला जाएगा, बचेगा कितना, 7 की पावर 3 बचेगा,
इसको साइड में लिख दो, यानी कि कुल मिलाकर आपको 195 तक पूरी पावर लिखनी है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये 01 होता है, हाँ या ना बोलो। इसके लास्ट के दो डिजिट 01 होते हैं और ये 48 है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा 1 और 0, और अगर मैं 343 का गुणा करूंगा तो मेरा आंसर 43 ही आएगा, और मेरे को देना है 10th डिजिट क्या है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 43 तो दो डिजिट है लास्ट के, लेकिन अगर 10th डिजिट की पूछी जाएगी तो 4 आ जाएगा। ठीक है, जब पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड ना हो तो साइड में लिख दो ना, बची कुची, बची कुची लिख दो, बाद में मल्टीप्लाई करने के काम आती है। देखो सर एक बार तीन वाला करके बता दीजिए ना, कौन सा तीन वाला विकेश, तीन वाला आता ही नहीं है भाई, क्यों खामो खाम भसड़ पाली दिमाग में, बताओ मेरे को, जब कुछ आएगा ही नहीं वो, फिर वो समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारे डाउट डेवलप हो जाएगा, और अगर डाउट हो गया तो फिर तुम मेरे पे हंसोगे कि सर आया ही नहीं हमें। तो ऐसे ऐसी जगह टाइम इन्वेस्ट मत करो जहां पर मतलब नहीं है किसी चीज का। ये दो डिजिट का ही मैंने इसलिए बता दिया कि क्या पता आने वाले समय में आ जाए। 01 कैसे आया, 01 कैसे आता है, हम जानते हैं 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 3 343 होता है, और 7 की पावर 4 2401 होता है। इसलिए मैं 7 में 4 की पावर में तोड़ता हूँ, और मुझे किससे मतलब है, केवल लास्ट की दो डिजिट से मतलब है, क्योंकि मैं लास्ट की दो डिजिट पे ही फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हमें 1 सर्च करना है सर। 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है, 0 इज ए पॉजिटिव, अच्छा पूछ रहे हो कि 0 क्या पॉजिटिव इंटीजर होता है क्या, नहीं 0 अपने आप में एक सेट है, 0 एक अलग अलग है शायद, पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं आता, 0 तो 0 ही है। ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0 अलग से बोला जाता है अगर इंटीजर की बात करते हैं तो। ठीक है, 0 इज कॉल्ड इवन इंटीजर है ना, 0 को इवन इंटीजर बोलते हैं अपन। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो तो है। चलिए अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, हम ये जानते हैं और आप भी जानते हैं। अगर 87 आ गया तो अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 87 × 87। ठीक है, अब 87 आ गया भाई, अब 87 को ढूंढना पड़ेगा, 7 की पावर 3 क्यों लिए, कहाँ लिए भाई, मुझे 195 जो पावर थी ना इसको मैंने ब्रेक किया है, तो यहाँ से तो 192 हो गई, तो 7 की पावर 3 साइड में तो लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी, नहीं आ रही बताओ, बात क्लियर हो रही है दोस्त सभी स्टूडेंट्स को, है ना। इसलिए अब 87 मुझे पता है 7 की पावर 4 तक मुझे जाना है, तो मैं इतना जानता हूँ कि अगर मुझे 7 की पावर 4 तक जाना है तो सिंपल सा वही लॉजिक मेरे सामने आएगा कि 87 × 87 कितना हो रहा है, 87 × 87, ये थोड़े लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चन, करना पड़ेगा, तो यहाँ से आ रहा है 69 आएगा, केवल दो डिजिट से मतलब है। 69 में अगर मैं 87 का करूंगा मल्टीप्लाई तो लास्ट के दो डिजिट कितने आएंगे, केवल 69 में अगर मैं 87 का मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट के दो डिजिट आ रहे हैं 03, और अगर उसमें 87 का करता हूं तो कितना आ रहा है, तो यहां से मेरे पास आ रहा है 03 × 87 अगर करते हैं तो ये आ रहा है 61, तो ये आएगा आपका निकल कर। आप साथ में समझ लेना उसको, ऐसे दिमाग लगाना है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, मेंस में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, आएगा कहीं पे भी आ सकता है। मैं अगर पेपर बनाऊं तो ये क्वेश्चन जरूर डालूं मैं, सर साइक्लिक 4 की साइक्लिसिटी से नहीं होगा क्या, अच्छा डाउट है सर, 7 की साइक्लिसिटी से नहीं होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि ये 7 नहीं है, ये 87 चलता है, 87 चलेगा ना, तो 87 का स्क्वायर अब देखोगे तो केवल मुझे दो डिजिट से मतलब है, तो 69 आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे करें, है ना। अरे भाई रुक जाओ, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। देखो मुझे पता है अगर मैं इसका स्क्वायर करना चाहता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, मैं बताऊँ, ठीक है, 87 है, 87 का मैं जानता हूँ ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, बताओ तरीका बता रहा हूँ शानदार वाला कि आप तुरंत कैसे निकालोगे डबल डिजिट। 13 कम है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 69, मतलब 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसका लास्ट डिजिट 69 आ गया, तो आपने ये निकाल लिया, ठीक है, ये निकाल लिया, ये फाइंड आउट कर लिया। अब आप जानते हो कि आने वाला में क्या होगा, आने वाले में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 69 यहाँ तक आ गया। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट के टू डिजिट निकालने, वो कितना आ जाएगा 03, और फिर 87 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों करना है, जब तक एक नहीं आ जाता यूनिट डिजिट में तब तक, जब तक, अभी क्या है मेरे ऊपर पावर 474 है, अब तो कर लोगे सॉल्व, अगर पावर 474 है तो क्या करेंगे, 1 का तो 1 लिख देंगे और 6 × 24 का 2, सॉरी 6 × 24 का 4, तो आंसर कितना आ जाएगा
41 आएगा, है ना, 41 आएगा। आंसर क्या होगा इसका? 41 होगा, कंफर्म है सर? 89 आंसर है। कोई गलती हो गई क्या? एक बार देख लो भैया, 474 नहीं है, 474। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। अरे यार गड़बड़ हो गई, रुको। राइट 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 राइट, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। सॉरी 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 सॉरी, 61 की पावर क्या रह जाएगी? अब 4 तो कट गया, तो यहाँ पर जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा ना, तो कितना हो जाएगा? 474 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और बचे कितने? 4 8 32, यानी कि 118 एक तरफ हो गया, और 61 की पावर 2 एक तरफ हो जाएगा। ठीक है ना, यही हो रहा है ना, या फिर 87 लिख देते हैं? 87 होगा ना, 87 लिखना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, इसका आएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 8, और यहाँ से आ रहा है कितना? 87 का स्क्वायर का कितना होता है? 2 2 69, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 89 आपका आंसर आ जाएगा। खतरनाक क्वेश्चन है भाई, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए दोबारा समझा सकता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है घचड़ पचड़ हो गई इसमें ना, दोबारा बताता हूँ। ओके, टेंशन मत लो, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, अब हमें 87 के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, 87 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इतना मैं जानता हूँ 7 की पावर 4 में आता है 1, ये पता है ना आपको? तो मैंने देखा कि 87 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे? 69 आएंगे। 69 को अगर मैं 87 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे? 03 आएंगे। लास्ट के 2 डिजिट को अगर मैं 87 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा? 61 आएगा। यहां तक कोई परेशानी? यानी कि अगर मैं इसकी पावर को इस तरह से लिख दूं कि 87 की पावर 4 की पावर 118 और 87 का स्क्वायर, आपको कोई दिक्कत? यानी कि इस 474 को मैंने इस तरह से तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब 87 की पावर 4 को मैंने कैसे निकाला? अरे यही तो है वो 61, लास्ट के 2 डिजिट 61 ही तो हैं। बिल्कुल ठीक है, बस हो गया काम। और 87 के स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट कितने हो जाते हैं? 69। यहाँ से आएगा 1, और 6 8 48 का 8, 81 * 69 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, 89। 69 कहाँ से कैसे लें? 69 कैसे लें? 69 कैसे, 69 कैसे लेंगे? 87 का स्क्वायर यही तो होता है, लास्ट के 2 डिजिट ही तो निकालने हैं। 8 2 2 ही तो आएगा, 87 का स्क्वायर ही तो आएगा, क्योंकि ये तो हो गया ना 472 हो गया ये, और बचा कितना? 2 ही तो बचेगा 474 में से। हाँ, क्वेश्चन तो हार्ड है यार, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, कैट में आते हैं भैया, ये आपके मैट में आते हैं। मैं तो इसलिए करा रहा हूँ कि आप हर झटके को अभी झेल लो, कुछ भी हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कल को कोई आपसे कुछ पूछे ना, तो आप ये ना कहो कि हमने रेलवे की तैयारी की थी, हमने सबकी तैयारी की थी। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात? तो कोई दिक्कत नहीं है ये, वैसे तो कोई भी पूछ ले आपसे कुछ भी। 87 दिया गुना क्यों किया? 87 दिया गुना क्यों किया? वन बनाने के लिए, वन वन, वी नीड वन। इतना जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो देखो, बात ऐसी होती है ना, मेरी बात सुनो। मैं आपसे एक चीज बताना भूल गया आपको मैं, यूनिट डिजिट है ना, डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन में है ना, डबल डिजिट आप यूं ही निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो? अगर मैं मान के चलो ये देता हूँ 5 6 9 8 मल्टीप्लाई 1 2 3 7, इसके लास्ट 2 डिजिट निकालो निकालो। तो तरीका मैंने आपको बता रखा है, लेकिन आपके दिमाग में होगा नहीं, मुझे पता है। क्या करते हैं? 8 7 56, एक कॉलम को तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 56 तो यहाँ से आ गया। सुनना मेरी बात, अभी चुपचाप रहना। अब देखो, 9 7 63 का 3,
और 8 3 24 का 4 3 और 4 7, बस यहाँ 5 को इधर ले जाओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा आप, 26 लास्ट के 2 डिजिट आएंगे, यानी कि चाहे आप 1000 संख्या का गुणा दे दो, मैं लास्ट के 2 डिजिट यूं ही निकाल लूंगा, लास्ट के 2 डिजिट यूं ही निकाल लूंगा। अब मैं आपसे करने के लिए बोलता हूँ एक दो क्वेश्चन, जिससे प्रैक्टिस बन जाएगी, फिर आपको देखो, जो लोग कहते हैं ना सर टाइम लगेगा, टाइम तब तक लगता है जब तक सीखते नहीं, और जिस दिन टाइम नहीं लगेगा ना उस दिन सब सीख जाओगे आप। रुक जाना मैं बताता हूँ, जैसे कि अब बताता हूँ, 5 9 7 8 7 9 3 4 2 5, लास्ट के 2 डिजिट बताइए, लास्ट के 2 डिजिट बताइएगा, कैसे करेंगे, 7 5 35 तो लिख दिया एक तरफ, अब देखना फोकस किस पे करना है, सिर्फ एक डिजिट पे, 8 5 40 का 0, 7 2 14 का 4, तो यहाँ पे आएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई में भी लास्ट की एक डिजिट ले लो, जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक बार ट्राई करो, थ्री डिजिट बोले तो आगे मल्टीप्लाई कर लेना, क्या दिक्कत है, 7 9 2 8, 1 2 8 7, करो फटाफट, तो क्या करोगे, 8 7 56 का 56 लिख दिया, 7 2 14 का 4, 8 2 64 का 4, 4 और 4 8, 8 5 13 36 आ जाएगा, तो कैरी जाएगा ना, 5 आगे चला जाएगा, 13 का 3, बस 36 आ गया, आंसर आ गया, यही ऐसे करना होता है, तो डिजिट विजिट निकाल लोगे कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है 2 की पावर की, ठीक है, 2 की पावर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये न्यू कंसेप्ट है आपका, क्या है, ये न्यू कंसेप्ट पे आता है। अगर आपसे बोला जाए कि 3 की पावर को, 2 की पावर को कैसे सॉल्व किया जाए, 2 की पावर, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, 2 की पावर को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है 24 की पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 24 की पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट आएगा 7 डबल डिजिट 76, होगा तो डबल डिजिट कितना आएगा, डबल डिजिट कितना आएगा जल्दी से बताओ, 24 का क्यूब कर लो और से एक एक तरीके से देख लो, डबल डिजिट पूछ रहा हूँ, 74 होगा, कैसे होगा भाई, डबल डिजिट कितना होगा, मतलब पूरा का पूरा डिजिट पूछ रहा हूँ आपसे मैं, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे अगर मैं 21 का क्यूब करता हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी कि कितना हो जाएगा, देखो ये 76 पता लग गया ना, कैसे हुआ, नहीं पता लगा, आप ऐसे देख लो 24 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या आता है डबल डिजिट, 76 आएगा हमेशा, 576 ही तो होता है ना, अगर आप 24 का अगर क्यूब करते हो तो ये भी आपके सामने निश्चित है, क्लियर है कि वो आपका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो हमें, यानी कि ये निश्चित है, यानी कि ये हमेशा होगा, ये क्या होगा, हमेशा होगा, 1 से भी देख सकते थे, वेरी गुड आजाज, 1 से भी देख सकते थे। अब मैं आपसे बात करूं 2 की पावर 1056, तो मैं इसको कैसी पावर में तोड़ूं कि लास्ट के 2 डिजिट 24 आ जाए, इस 2 को किस पावर में तोड़ूं, हम जानते हैं सर 2 की पावर 10 में ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 10 ही होती है क्या, 1024, ये कंसेप्ट है इसका, 2 की पावर का ये कंसेप्ट काम आता है, हर एक चीज का अलग कंसेप्ट है लेकिन अच्छी चीजें हैं, तो मैं जानता हूं 10 में तोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1050 है ना, 10 है ना, तो 105 और नहीं 105 बिल्कुल ठीक है, 1050 और 2 की पावर 6 को साइड में लिख दो, यहां से मेरा कितना आ जाएगा, 24 की पावर अगर और आ रही है तो 2 डिजिट कितने होंगे, 24 है ना ये, तो भाई 2 की पावर 10 का मतलब क्या है, 24 ही तो है, अगर और आ जाए तो 24 ही आएगा, और उसका गणा किस गुणा किससे करना है, 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 से, तो लास्ट के 2 डिजिट निकाल लो फटाफट, अभी बताया था मैंने 4 चौक 16 वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा, देखो धीरे धीरे सीखोगे यार, ऐसे थोड़ी ना सीखोगे, ठीक है चलो ये मैं कल बताऊंगा, इसको आप कर सकते हो, हिंट दे देता हूँ, हिंट हिंट क्या है इसका, हिंट कर लीजिए 31 की पावर 586 कर लो मल्टीप्लाई 2 की पावर 586, कर सकते हो अब तो, अब तो आंखें खुल गई होंगी, इसको कैसे करना है पता है, इसको तो आप कर ही लोगे, ठीक है हिंट, इसके बाद 28 को कैसे कर सकते हो, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, 2 की पावर 2 की पावर 28 और 7 की पावर 28, अब तो आंखें खुल गई होंगी, हिंट इसको कैसे करोगे, 2 और
दो कर लिया मैंने, 18, 4 और 2 की पावर 2, हाँ 2 लिख दिया मैंने, और 3 की पावर 3 कर सकते हो, 380। ठीक है, नेक्स्ट इसको कैसे करोगे, 2 की पावर 3 गुणा 7, 283 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो करके देखना। आज दिमाग घूम रहा है राजेश कह रहा है दिमाग घूम रहा है, राजेश दिमाग नहीं घूमेगा भाई, करके देखो मजा आएगा, जब आंसर आएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सर रटेंगे थोड़ी इनको, करना है भाई, करके देखना एक बार। ठीक है, 4 बजे मिलता हूँ। टाइम स्पीड डिस्टेंस समझ में आया, कल मजा आया टाइम स्पीड डिस्टेंस में, किए क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन किए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलो मिलते हैं ना, चलिए। और जिनको समझ में नहीं आया पुरानी वीडियोज देख लीजिएगा, मैं देख लूंगा, चलो आ रहा हूँ मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।